हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आरती, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, जो लोग व्यापम से बीएड एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, मई में उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो उन लोगों के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, जो ये वीडियो बनाया है वो आपके मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बनाऊंगी, यानी इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है, जीके के जो क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो जीके का वीडियो है ये। देन जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो आपका इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका होगा। लेकिन चलिए वीडियो देखें, उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि जीके का है ये, कि जो पांडव फॉल्स है वो कहाँ है, किस राष्ट्रीय उद्यान पे है, आपको ये बताना है। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि जो पांडव फॉल्स है, इसमें इतने सारे दिए हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और भुगुआ जीवाश्म पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि दो चीज़ों को फिर इसने रिपीट कर दिया है। तो देखिए, अगर आप इसके आंसर को देखेंगे तो आंसर में ये माधव राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोनों का दिया है करेक्ट आंसर, लेकिन रियल में जो है आपका ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान सही होगा। जो आपका पांडव फॉल्स है वो आपके पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। भारत के योजना आयोग को डैश के साथ बदल दिया गया, यानी भारत में जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था उसको अब किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, नीति आयोग, नीति विषय, नीति दर्शन, नीति अधिकार, तो नीति आयोग, यानी योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसका आंसर भी आप देख लीजिए, आंसर देखते चलते देखिए नीति आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले सर्वप्रथम भारतीय हैं, मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में इसमें मिलेगा आपका आमिर खान, महेश बाबू और कमल इब्राहिम और रोहित खंडेलवाल, रोहित खंडेलवाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका रोहित खंडेलवाल, ठीक है ना, यानी रोहित खंडेलवाल जो है वो मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले सर्वप्रथम भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। अब आपको ये बताना है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, आप आंसर इसमें देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। और संगीत रत्न पुरस्कार डैश की स्मृति में प्रदान किया जाता है, तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में दिया जाता है। तो देखिए, संगीत रत्न पुरस्कार जो है वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान की स्मृति में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं। अब आपको बताना है, ये 2017 का आपका जो बीएड और एमएड का एग्ज़ाम हुआ था उसका है। तो उर्जित पटेल जो हैं वो इस समय भी आपके वर्तमान, यानी इस समय भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है। कौन? उर्जित पटेल। चेनानी नाशरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है। चेनानी नाशरी सुरंग जो है, आई थिंक जम्मू कश्मीर में बनाई गई सुरंग है अभी, जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, तो उसकी अनुमानित लंबाई क्या है। तो देखिए, उसकी अनुमानित लंबाई जो है वो है 9 किलोमीटर। तो देखिए, ये भी याद रखिएगा कि चेनानी नाशरी सुरंग जो है जम्मू और आपका जो श्रीनगर है इसको जोड़ती है, ठीक है ना, किसे, जम्मू और श्रीनगर को ये सुरंग जोड़ती है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार ऐसा पूछ लिया जाए, इस वजह से इसमें लंबाई पूछा है, तो नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि चेनानी नाशरी सुरंग जो है किन दो राज्यों को जोड़ती है, तो वो आपका हो जाएगा जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैरन द्वीप डैश में स्थित है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बैरन द्वीप समूह जिसे बोलते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और नियमन विनिमय बोर्ड के 9 नियुक्त मुख्य हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है उसके 9 नियुक्त मुख्य कौन है, आपको बताना है। तो इसका आंसर अजय त्यागी होगा, जो उसके 9 नियुक्त यानी उस समय के नियुक्त मुख्य है। 14वीं जीएसटी परिषद की बैठक डैश में आयोजित की गई, जो जीएसटी परिषद की बैठक 14वीं थी वो कहाँ आयोजित की गई थी, आपको बताना है। तो श्रीनगर में आयोजित की गई थी। बतुकम्ब त्यौहार को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बतुकम्ब जो त्यौहार है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, आपको ये बताना है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचय करने के लिए संभावित स्थल डैश है, यानी मध्य प्रदेश में एक ऐसा जगह है जहाँ पे चीते से पुनः परिचय करने के लिए चुना गया है, वो कौन सा है जगह। तो देखिए, वो नौरादेही अभ्यारण्य है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल सेवा है,
भारत की सबसे लंबी रेल सेवा क्या है, आपको ये बताना है कौन सी है। तो देखिए इसमें जो आपकी विवेक एक्सप्रेस है सबसे लंबी रेल सेवा है जो आपके, तो ये ट्रेन जो है आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है और ये वीकली ट्रेन है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जामों में पूछा गया है। और ये डिब्रूगढ़ जो आपका है, डिब्रूगढ़ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि असम से कन्याकुमारी, असम टू कन्याकुमारी, असम में है डिब्रूगढ़, तो ये असम से कन्याकुमारी जाती है यानी तमिलनाडु। तो असम से आप तमिलनाडु भी अगर वो होगा तो वो भी सही है, या फिर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी होगा तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंबल परियोजना डैश राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है, किन राज्यों के संयुक्त उद्यम है, यानी चंबल परियोजना से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है आपके चंबल परियोजना से जुड़े हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, कब, 14 सितंबर। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो देखिए भोपाल जो आपका है वो झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है अगर मध्य प्रदेश की बात आती है, लेकिन यदि कंट्री देश की बात आए, भारत की बात आए, तो फिर वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक डेटाबेस में फील्ड डैश होती है, यानी एक डेटाबेस में जो फील्ड होती है क्या होती है, तो सूचना की श्रेणी होती है, ठीक है। एक डेटाबेस में फील्ड सूचना की श्रेणी होती है। भारत के 500वां टेस्ट क्रिकेट मैच डैश के विरुद्ध खेला, यानी भारत ने जो 500वां टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था वो किसके अगेंस्ट खेला था, आपको ये बताना है। तो देखिए वो था आपका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अमरकंटक का पौराणिक नाम है, अमरकंटक का पुराना नाम आपको बताना है क्या है, उस समय उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उस समय उसको वृक्ष पर्वत के नाम से जाना जाता था, किस पर्वत से, वृक्ष जो पर्वत है उसके नाम से जाना जाता था अमरकंटक को। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है, तो देखिए इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए सेकंड शिफ्ट का और क्वेश्चन ले लेते हैं कि पाली उमरीगर पुरस्कार 2017 किसने जीता, आपको ये बताना है पाली उमरीगर जो पुरस्कार है 2017 में किसने जीता, तो विराट कोहली ने जीता, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है, किस दिन जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो देखिए इसका आंसर होगा 27 सितंबर, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बाज बहादुर महल डैश में स्थित है, बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है आपको ये बताना है, तो देखिए बाज बहादुर महल जो है वो मांडू में स्थित है, कहाँ स्थित है, मांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कोवलम के बीच किस राज्य में स्थित है, ये बताना है कोवलम, तो देखिए कोवलम जो है वो आपके केरल में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। 15 फरवरी 2017 को इसरो द्वारा छोड़े गए उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है, आपको ये बताना है कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक इतिहास रचा था और इसके द्वारा जो उपग्रह छोड़े गए थे उनकी संख्या क्या थी, आपको ये बताना है, तो 104 उपग्रह जो है छोड़े गए थे, ठीक है। 62वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया या किसे मिला या किसने जीता, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका आलिया भट्ट। 62वें फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, उस शहर का नाम आपको बताना है, देखिए तो कोलकाता को जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम के अंतर्गत राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्पादों को बेचा जाता है, यानी ऐसा नाम बताना है जिसके अंतर्गत राजस्थान हस्तशिल्प उत्पादों को बेचता है, ठीक है ना, तो वो आएगा राजस्थली, राजस्थली जो है वहाँ का राजस्थान का हस्तशिल्प उत्पाद है जिसको राजस्थली के नाम से जाना जाता है। रुपये क्या है, यानी रुपया जो है वो क्या है आपको बताना है, तो देखिए जो रुपया होता है वो होता है कार्ड भुगतान नेटवर्क, कार्ड पेमेंट नेटवर्क जो होता है उसको रुपये बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो बालाघाट जो है इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। उस राज्य का नाम बताइए जहां राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है, अब आपको बताना है उस राज्य का नाम जहां राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है।
भारत का 29वां राज्य है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? देखिए जो नया बना है वो है तेलंगाना, ठीक है ना, सबसे लास्ट और 29वां राज्य। वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है कौन सी है, यानी खुशी के दाता के नाम से किस नदी को जाना जाता है? देखिए तो नर्मदा नदी को जाना जाता है। कहाँ है वो? आपके MP मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। फिरोज द फॉरगेटन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ये बताना है, फिरोज द फॉरगेटन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो है ये वर्टिल फॉक, जिन्होंने फिरोज द फॉरगेटन गांधी पुस्तक लिखी थी। 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जहाँ की साक्षरता दर ज्यादा होगी वही राज्य होगा। तो 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला तो केरल है, क्योंकि वहां की साक्षरता दर जो है, साक्षर व्यक्ति सबसे ज्यादा आपके केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला है ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो देखिए ये जो है त्रिपुरा की है। एक दूसरा क्वेश्चन भी इससे बन जाता है कि ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट कौन है, वो आपको बताना है, तो दीपा कर्माकर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB डी विलियर्स ने कितनी गेंदों में सबसे तेज एक दिवसीय शतक बनाया? आप जो आपके AB डी विलियर्स हैं वो कितनी गेंदों में सबसे तेज एक दिवसीय शतक बनाया है? वनडे क्रिकेट की बात चल रही है तो देखिए यहाँ पे 31 गेंद है जिसमें उन्होंने शतक बनाया है, सेंचुरी लगाई है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, आपको बताना है, तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो मीरा कुमार है, ठीक है। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर का क्या नाम है? देखिए जो है तो सुपर कंप्यूटर है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, ठीक है ना, तो क्या है? सुपर कंप्यूटर। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 62वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता? देखिए अभी बस जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि 62वें फिल्म फेयर अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, तो आलिया भट्ट थी। अब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात चल रही है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में नितेश तिवारी आ जाएंगे, ठीक है। खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्रायः डैश माह में मनाया जाता है, आपको माह बताना है, क्योंकि ये शायद वन मंथ वीक में ही चलता है आपका खजुराहो नृत्य पर्व जो है, तो हर वर्ष होता है लेकिन उसका जो माह है वो फिक्स है, तो वो है आपका फरवरी में, ठीक है। कारगिल ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, वो आपको बताना है, तो देखिए ऑपरेशन विजय इसका नाम दिया गया था, जो कारगिल ऑपरेशन था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। सितंबर 2016 तक भारतीय संविधान में किए गए संशोधनों की कुल संख्या क्या है, यानी सितंबर 2016 तक भारतीय संविधान में जो संशोधन किए गए थे तो कुल कितने संशोधन किए गए, आपको ये बताना है, तो देखिए अभी तक कुल 101 संशोधन किए जा चुके हैं सितंबर 2016, याद रखिएगा। रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी रिहंद नदी जो बांध है उसका जल जो है किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में जाता है, तो देखिए राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों में रिहंद नदी जो है उसका जल जाता है। 2016 रियो ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ पूरी करने में उसेन बोल्ट को कुल कितना समय लगा था, अब आपको टाइम बताना है कि 2016 रियो ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ पूरी करने में उसेन बोल्ट को कुल कितना समय लगा था, तो देखिए उनका जो समय लगा था 9.81 सेकंड लगा था, 9.81 सेकंड। इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है, याद रखिएगा कि 2016 रियो ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले उन खिलाड़ी का नाम आपको बताना है, तो वो है उसेन बोल्ट, ठीक है। बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब आपको ये बताना है, बिंद श्रेणी की बात चल रही है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुडविल, ठीक है, बिंद चोटी की बात चल रही है। यूनेस्को प्राकृतिक विरासत उत्सव 2017 डैश में आयोजित किया गया, किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में किया गया था।
भारतीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ डैश है क्या है? देखिए भारतीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात, तो ध्वज का अनुपात 3:2 होता है, जिसमें 3 लंबाई 2 चौड़ाई होती है, तो इसका जो आंसर होगा 2:3 हो जाएगा। ओके, रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है? तो 4 है। रेनबो है, रेनबो क्या है आपको ये बताना है। तो रेनबो जो है प्रसार भारती का एफएम चैनल है, एफएम आप सुनते हैं तो एफएम चैनल है। इसरो का व्यापक रूप है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निम्न में से किस खेल के साथ पीवी सिंधु जुड़ी हुई है आपको ये बताना है, वो कौन सा खेल खेलती हैं? तो बैडमिंटन खेलती हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस रॉकेट वाहन से सफलतापूर्वक 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? जस्ट अभी हमने पढ़ के आया है कि फरवरी 2017 में इसरो ने एक प्रक्षेपण किया था, तो कितने उपग्रहों का किया था? तो 104 का किया था। देखिए क्वेश्चन इसमें जस्ट उल्टा कर दिया कि उन्होंने खुद बता दिया 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था, लेकिन किससे किया था, किस रॉकेट वाहन से किया था उसका नाम बताना है आपको, तो PSLV C-37। सी सभी में से 37 आपको याद रखना है, तो PSLV C-37। ठीक है, एक ट्रेन पर दुनिया का पहला अस्पताल डैश है, यानी एक ट्रेन पर पहला अस्पताल बनाया गया जो वर्ल्ड का पहला अपना है, तो वो आपका है लाइफलाइन एक्सप्रेस। ठीक है, एक ट्रेन पर दुनिया का पहला अस्पताल लाइफलाइन एक्सप्रेस है। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? देखिए आ गया, अभी हमने पहले पढ़ा था जब एक दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन लिया था, मैंने उसमें बताया भी था कि क्वेश्चन घुमा सकता है, और देखिए क्वेश्चन घुमा दिया और आंसर है जम्मू और कश्मीर। उसमें लंबाई पूछी गई थी और इसमें क्या कर दिया, अब बता दिया, पूछ लिया कि किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन इस तरह घुमाते हैं, तो दोनों तरह से अगर पॉसिबल है तो आप याद करिए। तवा जलाशय डैश के मध्य स्थित है, तवा जलाशय कहाँ स्थित है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और बानी अभयारण्य के मध्य स्थित है। अरुंधति भट्टाचार्य डैश की चेयरमैन है, अरुंधति भट्टाचार्य कहाँ की चेयरमैन है? भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन है। अनुपम है, अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट्स करिए, कोई अगर सवाल है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए, लेकिन उसके पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका होगा हिंदी का सब्जेक्ट का। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।